कलमा सुनाओ। आप कौन हो सुनते हैं मुझसे? आप कौन हो? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों आप ठीक है यार मेरे? नहीं, आप मेरा मसला है, बोल भाई क्या बनाया हुआ? आपकी मामे लगते हो इसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखने पास मेरा दिखाओगे लड़कियों की? नहीं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम इज्जतदार हैं। मैं खुद, मेरी माए हैं, बहनें बेटी हैं, तो मैं इस तरह कभी भी किसी का राज फाश नहीं करता। मैं इसलिए कहने का मकसद ये था, मैं खुद देखूंगा, कैमरे पे नहीं लगाना चाहता। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, किसी का पर्दा तो रहने दे। आप चले अमल शुरू करें, कैसे करके दिखाता हूँ कि मैं कुरान पाक से करता हूँ, नूरी मेरा इलम होता है। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا तो फेक पाकिस्तानी मौलाना जो झंडू मौलाना होते हैं भाई, वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। साथ में आज तो भाई मौलाना सामने बिल्कुल मतलब अनोखा ही काम कर दिया, जादू टोना करने लग गए हैं भाई, घर बैठे तलाक करवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के झंडू मौलानाओं की वीडियो। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त मैं एक वीरान कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक आमिल जो है अमल करते हुए हमने उसे देखा है। तो नाज़रीन इनसे जानते हैं और इनको पकड़ते हैं कि ये क्या अमल कर रहा है, काला जादू कर रहा है, किसी का घर आबाद कर रहा है या किसी का घर बर्बाद कर रहा है, ये अमल क्या कर रहा है ये आमिल। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप खुफिया तरीके से हैं तमाम दोस्त, आप लोग जो है ना कैमरे वाली लाइट आपने जला देनी है। आए नाजरीन देखते रहें, आगे चलते हैं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं ये पीर साहब आमिल साहब बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्यों आए हो इधर? ये क्या तरीका है? मेरा अमल ख़राब करने के लिए आए हो आप? इधर चले जाओ, इधर से चले जाओ, नुकसान हो सकता है आपका। चले जाओ शाबाश, मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? सवाल नहीं करते आप, इधर से दूर हो जाओ। चलो शाबाश, दूर हो जाओ शाबाश, इधर से। नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये गुड्डी है, ये गुड्डा है, नुकसान हो सकता है, मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूं। ये लड़की है और ये लड़का है पेंट कोट वाला, ये क्या तमाशा है? इधर आए हैं, किसी ने बुलाया आपको इधर? क्यों मेरा, आपको किसी ने बुलाया? मेरा अमल क्यों खराब करने आया भाई? आपके पास वही नाजिल हुए कि आप इस कब्रिस्तान में, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये आपकी बदमाशी है। काम कर रहा हूँ भाई, देखें जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना जी, तो एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा लोगों तक जी, ठीक है जी। अगर आप गलत काम करें, मैं यहाँ पर पुलिस को भी बुलाऊंगा। आप समझदार इंसान है, आपको पता है कि रात की इस वक्त में, पैर में, इस टाइम में कब्रिस्तान में अच्छे काम होते हैं, आपको पता है? पता है आपको होते हैं, शक्ल तो आप आलम दीन लग रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं अगर आलम दीन हूँ, मेरे मुंह के ऊपर दाढ़ी है, सारे मामलात है, मैंने पगड़ी बांधी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे अच्छे काम ही करता हूँ। कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ। आप कौन हो सुनते हैं मुझसे? आप कौन? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कौन हो? आपको क्यों सुनाऊं? क्यों आप ठीक है यार मेरे? नहीं, आप मेरा मसला है, बोलने का मसला, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कलमे के बारे में? नहीं, ये क्या है, ये क्या मसला है, आप इसमें कौन? ये देखें जी, आपका क्या इसमें ताल्लुक है, मुझे बताइए। ये तस्बीह भी अजीबो गरीब है, ये क्या बनाया हुआ? आपके मामे लगते हो इसके? क्यों ये करना चाह रहे हो आप मुझे? अभी पंजाब पुलिस आएगी, जब डंडा देगी ना आपको पता चलेगा। देखा जाएगा, फिर मैं भी बताऊंगा पुलिस को क्या मामला करने। चलो मेरे ऊपर दम करो, मुझे मारो, चलो मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ। कब्रों से सांप बुलाओ, चलो। मैं जिस अमल के लिए बैठा हूँ मुझे वो करने दो, मुझे आप डिस्टर्ब नहीं करने जा सकते आप यहाँ पर, आपका नुकसान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नाजरीन देखे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए ले जाते हैं, बाद में आउट ऑफ कंट्री में भाग के चले जाते हैं, तो हमारा काम वहीं का वहीं रह जाता है। चाहे ये अमल अच्छा करें या बुरा करें, मैं आज इनसे जान के रहूंगा कि ये क्या अमल करें भाई। मैं बड़ा जिद्दी बंदा हूँ, सीधी सी बात है। देखिए जी, आप रात के 12 बज गए, मैं शराफत से कह रहा हूँ, मैं इंटरव्यू करने दो, मैं शराफत से करने वाला नहीं हूँ। मैं इस वजह से आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपसे डरता हूँ, मुझे इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी से भी नहीं डरता, ठीक है, अल्लाह की जात से डरता हूँ, अल्लाह के हाथ में सारे मामले आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमल एक दूसरे को तोड़ने के लिए किया जाता है कब्रिस्तान। यही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई, मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आपस में अदावत के मामलात होते हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले मामलात होते हैं, किसी के घर के अंदर तबाही मचाने वाले मामलात होते हैं, वो यहाँ पर बैठ के किए जाते हैं। हाँ, आप जब पंजाब पुलिस को मैं कॉल करने लगा हूँ भाई, खौफ ज्यादा हो गए, जलाओ सारे कैमरे, जलाओ। प्यारे भाई, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैंने कोई आपसे बदतमीजी की हो, तो आपने बताया मैं कोई अच्छे अमल के लिए बैठा हूँ, सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। देखिए, आपने मुझे डिस्टर्ब तो बहुत ज्यादा किया है, आपने मेरे सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। मेरा नाम फरहान अहमद शाह है और मैं मुल्तान से हूँ। आज मैं इस मकसद के लिए बैठा हूँ, मेरा कोई यहाँ पर बैठने का किसी को तोड़ना नहीं है, किसी के घर में अदावत या किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से मामलात होते हैं, किसी के घर को कैसे तोड़ा जाता है और ये मामलात कैसे चलते हैं और ये कब्रिस्तान के अंदर बैठा जाता है इस तरह की ये गुड़ियाँ, और अगर वो मियाँ बीवी के आपस में आपने जुदाई करानी है तो ये इस तरह की गुड़िया और ये दोनों चीज़ें मियाँ बीवी की आपने लेनी है, ठीक है। अगर घर के अंदर तीन अफराद हैं तो आप उनके तीन पुतले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये खास अमल किया जाता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी देखते देखते अजाब
बन जाती है। ये क्या है? मोमबत्तियां। हाँ, ये मोमबत्तियां जो काले इलम के लोग अमल करते हैं कब्रिस्तानों में बैठ के, तो वो ये जलाते हैं, अपने शैतान को पुकारते हैं, उस वक्त उनसे मदद मांगते हैं, और जो उनके अमल क्या होता है चिल्ला, जिसको मंतर हम कहते हैं, तो वो पलीती से किया जाता है। इससे नूरानी इलम का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये लोग मुसलमान भी नहीं होते, क्योंकि हदीस पाक में जो जादू करता है या जादू करवाता है वो मुसलमान नहीं होता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमसे नहीं। अब आप खुद बताओ, जिसका ताल्लुक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात से कट जाता है तो वो आदमी मुसलमान नहीं रहता, चाहे वो औरत हो। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ आपको, इस तरह के जो अमल करते हैं आमिलीन, वो पेशाब अपना खाते हैं, गलीज काम करते हैं, 24 घंटे पलीती के अंदर रहते हैं, फिर जाके शैतान को पुकारते हैं, फिर शैतान उनकी ये मदद करता है, हर काम उसका मानता है, किसी का एक्सीडेंट करवाना हो, किसी का लड़ाई झगड़ा करवाना हो, तो इस तरह के मामला उसके साथ चलते। अच्छा, आप इतनी रात को कब्रिस्तान में बैठे हैं, कोई शैतान कोई ऐसी मखलूक देखी आपने, नजर आती है? देखिए जी, अब हमारा ये बड़ा पुराना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें काफी सारी चीजें देखी भी हैं, काफी मामलात इस तरह नजर आते हैं आगे पीछे जब जाओ। देखिए, ये इंसान के ऊपर अपने होते हैं, इसमें बाजू का साय की तरह भी नजर आते हैं, बाजू का सांप बिल्लियों की शक्लों में भी नजर आती है, धुएं की शक्लों में भी नजर आते हैं, और किसी आदमी की शक्लों में भी नजर आते हैं। और इसमें अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि जिन्नात अपनी शक्लें या ये चीज़ें वगैरह बदलते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। जितने नेक जिन्नात हैं वो अपनी इबादत रियाजत करते हैं, उसके बाद फिर जाकर इस मकाम पर पहुंचते हैं कि वो नेक लोगों की शक्लें अपना सकते हैं, बना सकते हैं, वरना हर जिन्नात इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये एक गुड़िया है यानी कि एक लड़की का रूप है गुड़िया में, एक लड़के का रूप है, ये समझो मियाँ बीवी है, ये यानी कि किसी का घर तोड़वाना हो जी, ये उस तरह का अमल किया जाता है। कैसे कांटे लगाते हैं? हाँ, क्या करते हैं? मोमबत्ती कैसे जलाते हैं? बताता हूँ। देखिए मेरे भाईजान, जिसके ऊपर अमल किया जाता है उसके सर के बाल चाहिए होते हैं, या उसके पाँव की मट्टी चाहिए होती है, या उसका इस्तेमाल हुआ हुआ कपड़ा वो उसको चाहिए होता है, उसके बाद ये गुड़ियाँ या ये पुतला बनाया जाता है, उसके ऊपर खास किस्म का ये मंत्र पढ़ते हैं जिसको पलीती में करते हैं, और नपाकी की हालत में ये लोग करते हैं। उसके बाद फिर कुछ लोग इसके ऊपर धागा लपेटते हैं, कुछ डोरी लपेटते हैं, कुछ सुइयाँ चुबा देते हैं। अगर सुइयाँ इसमें चुबाई जाती हैं तो वो भाई देखा आपने कैसे मौलाना साहब ने भाई का नया धंधा छेड़ लिया है, जादू टोटका काला जादू, भाई बंगाली जादू करना लगे हैं पाकिस्तान के मौलाना, फेक मौलाना भाई झंडू मौलाना। आज भाई पहले मौलाना जो थे भाई लोगों को गलत जो है इस्लाम की शिक्षा देते थे, लोगों को बिगाड़ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भाई थोड़ा उनकी जिंदगी सुधारने का काम कर लिया। उन्होंने बताया कि भाई हम घर बैठे मतलब कब्रिस्तान में बैठे बैठे हम किसी की भी प्यार तोड़ सकते हैं भाई, किसी की भी दिमाग पे सुइयां घुसा सकते हैं, किसी का भी तलाक करवा सकते हैं, किसी को भी प्यार में घुसा सकते हैं। तो भाई ये थे पाकिस्तान के अजीब गरीब मौलाना, और भाई इनका जो टैलेंट है ना वो टैलेंट अलग ही है, शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप इन मौलाना साहब की भैया से मौलाना की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम ऐसी बेहतरीन नई लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।